प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न पदों को भरने के लिए छठनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। विधानसभा चुनावों के कारण इन परीक्षाओं पर ब्रेक लग गई थी, जिसके बाद चयन आयोग ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दी जाए। इस पर गत दिवस चुनाव आयोग ने कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को हरी झंडी प्रदान की है। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद चयन आयोग ने विभिन्न विभागों की आधा दर्जन से अधिक पोस्ट की छठनी परीक्षाओं की शेड्यूल जारी किया है। 24 दिसंबर से छठनी परीक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थियों को एडमिट एवं रोल नंबर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। परीक्षा केंद्र और रोल नंबर की जानकारी अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी चयन आयोग के दूरभाष नंबर 01972222204221841 और 22221 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि 24 दिसंबर को सुबह के सत्र में पोस्ट कोड 485 सांख्यिकी सहायक, जबकि सायंकाल सत्र में पोस्ट कोड 541 असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की लिखित परीक्षा होगी। इसी तरह 26 को सुबह उद्यानिक विभाग में JEE, सायंकाल सत्र में उद्यान प्रसार अधिकारी, 27 को सुबह फोटो टाइप सेंटर ऑपरेटर, सायं को जूनियर प्रोग्रामर, 28 को सुबह पोस्ट कोड 513 वरिष्ठ सहायक अकाउंट्स, सायं वरिष्ठ सहायक अकाउंट्स पोस्ट कोड 502, 29 दिसंबर को सुबह के सत्र में पोस्ट कोड जूनियर ऑफिसर की लिखित परीक्षा होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 482 के तहत स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है। पर्यटन विभाग में पोस्ट नंबर 558 के तहत पर्यटन सूचना अधिकारी के 5 पदों के लिए आयोग ने 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। लिखित परीक्षा में 1356 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 20 को सफल घोषित किया गया है। JEE इलेक्ट्रिकल का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने हिमुंडा विभाग में पोस्ट कोड 559 के तहत JEE इलेक्ट्रिकल के 3 पदों को भरने के लिए 10 अक्टूबर 2017 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। लिखित परीक्षा में 225 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से 10 को सफल घोषित किया गया है।